भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवकिशोर चौधरी ने गुरुवार को ट्रेजरी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देते हुए कार्य में लापरवाही बरतने वालों का वेतन काटने एवं कई अन्य चीजों में सुधार लाने की बात कही। साथ ही डीएम ने कहा कि नई व्यवस्था में SBI एक व्यू ट्रैप दे, जिससे इसे ट्रेजरी से जाँच करा कर देखा जा सके कि कौन सा चालान उनके द्वारा अप्रूव किया गया और कौन सा चालान अप्रूव नहीं हुआ है। डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी पेंशनर लोग हैं, अगर उनके पेपर में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उसे 6 महीने के अंदर दूर किया जाए और ट्रेजरी से ही राशि डिडक्ट कर ली जाए। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा कि DDO से इस कार्य को करवाया जाए, जिससे ऐसे लोगों को कोई परेशानी न हो। निरीक्षण के क्रम में सख्त रुख अपनाते हुए DM ने कहा कि वैसे DDO और SO जिनके कागजात दुरुस्त नहीं है, उनका वेतन भी रोका जाएगा। इधर जिलाधिकारी के इस सख्त रवैये को देखते हुए जिले के अधिकारियों और कर्मियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है, इसमें इतिहास को देखते हुए हमने कई निर्देश दिया है कि SBI से जो उचित पेपर है उसका वेरिफिकेशन कराया जाए। दूसरा कि जब तक कि नई व्यवस्था के लिए मैंने अनुरोध किया है कि नई व्यवस्था में कि SBI हमें एक व्यू टैब दे, जिसमें हम ट्रेजरी से देख सकते हैं कि कौन सा चालान उनके द्वारा अप्रूव्ड है और कौन सा चालान अप्रूव्ड नहीं है, इसे देखा जाए। तीसरा, मैंने निर्देश दिया है कि जितने भी पेंशनर हैं हमारे, उनके या जो रिटायर कर गए हैं उनके पेपर में यदि कोई भी दिक्कत है तो उसे 6 महीना पहले से ट्रेजरी ही डिटेक्ट कर ले और ट्रेजरी डिटेक्ट करके DDO को दे दें और DDO से हम नियत समय में करा लें, ताकि जो व्यक्ति रिटायर करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी सेवा 30 से 35 साल सरकार को दिया है, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। इसके अलावा मुझे संज्ञान में मिला कि कई हमारे जो DDO हैं ऐसे हैं जिन्होंने उचित कागज़ का संधारण करके हमारे ट्रेजरी को नहीं दिया। मैंने कहा है कि उन DDO का भी वेतन इस महीने में बंद रखें, जब तक कि जो व्यक्ति रिटायर करने वाले हैं उनके कागज़ का संधारण अथवा जिनके कागज़ में कोई दोष है उनका संधारण उनके द्वारा नहीं कर लिया जाता। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज मुरारका महाविद्यालय का 2 दिवसीय 70वां वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुरारका महाविद्यालय के प्राचार्य अमरकांत सिंह, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, उपसभापति नीलम देवी सहित कॉलेज के प्रोफेसरों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन प्रोफेसर नागेंद्र तिवारी ने किया। कार्यक्रम के पश्चात मुख्य अतिथियों के द्वारा रंगलाल मुरारका की प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कॉलेज के प्राचार्य द्वारा मुख्य अतिथियों को अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुरारका महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। NCC के कैडेट्स के द्वारा देशभक्ति गानों पर एक शानदार प्रस्तुति भी दी गई। वहीं दौड़ एवं कबड्डी में प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा मेडल एवं कॉलेज का मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार, लोजपा रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार, वार्ड पार्षद नवीन कुमार बन्नी, कृष्ण कुमार सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग एवं छात्र छात्रा मौजूद थे। मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज का एक बैठक हुआ था और उसमें निर्णय लिया गया था कि स्वर्गीय सेठ रंगलाल मुरारका जी को शिक्षा रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कल उन्हें उनके परिवार को यह सम्मान सौंपा जाएगा। इसके अलावा हमारे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, समाज को एक मैसेज देने का प्रयास किया और इसके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं और अपने अथक परिश्रम से वो 15 दिन से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आज 70वां जो स्थापना मुरारका कॉलेज का जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसमें हम लोग शामिल हो रहे हैं और आज से 70 वर्ष पूर्व हमारे जो स्वर्गीय रंगलाल बाबू रहे, उनकी जो सोच रही, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यह मुरारका महाविद्यालय का नींव नहीं था, सुल्तानगंज के विकास का नींव था। और जो सबसे बड़ा दान होता है शिक्षा का दान, जो इस महाविद्यालय में अपने सेवा दे चुके, जो भी हमारे पूर्व के और जो भी हमारे विद्वान ज्ञाता प्रोफेसर गण हैं अभी वर्तमान में। भागलपुर जगदीशपुर थाना परिसर में शबे बरात एवं माघी पूर्णिमा को लेकर मंगलवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता जगदीशपुर थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर गणेश कुमार के द्वारा की गई। इस दौरान डीएसपी विधि व्यवस्था मंगलेश कुमार सिंह की मौजूदगी में शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने को लेकर आम लोगों से चर्चा की गई। बैठक में सभी पंचायतों से आए जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने त्योहार को लेकर अपना अपना सुझाव देते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का भरोसा दिलाया। वहीं डीएसपी ने भी लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाते हुए समाज में माहौल खराब करने वालों की जानकारी तुरंत प्रशासन को देने की अपील की। बता दें कि शबे बारात के मौके पर मुख्य बाजार में पताका बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। मौके पर मुखिया अनुरुद्ध महतो, सरपंच विनोद यादव, पूर्व मुखिया घनश्याम मंडल, राजकुमार शाह सहित कई लोग मौजूद थे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर में गुरुवार को सराय स्थित कौशल विकास केंद्र एवं एनएसएस टीएनबी के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रोटरी क्लब के चार्टर अध्यक्ष एवं सीनेट सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्वेता पाठक, अजीत सिंह, चंदना चौधरी एवं बिजोय आनंद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं राष्ट्रगान गाकर किया। शिविर में लगभग 55 छात्र छात्राओं का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया। जांच के क्रम में ज्यादातर छात्राओं में खून की कमी पाई गई। वहीं शिविर में निर्देशक बिजोय आनंद सहित 18 छात्रों ने रक्तदान किया। इस दौरान शहर के एक अस्पताल में ब्लड बैंक के निर्देशक वाजिद अंसारी ने सभी को रक्तदान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मौके पर शीला कुमारी, अमित आनंद, प्रशांत बनर्जी, मोहम्मद साहिद, सोनी मरांडी समेत कई छात्र छात्रा मौजूद रहे। भागलपुर के सुल्तानगंज में 26 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रोड शो करने आ रहे हैं, जिसको लेकर राजद जिला प्रवक्ता अजीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोड शो की तैयारियों को लेकर तमाम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर भागलपुर जिले में 26 फरवरी को रोड शो करेंगे, जो नवगछिया से जीरो माइल, तिलका मांझी, अलीगंज, जगदीशपुर होते हुए बांका जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया जाएगा। मौके पर सैनिक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष पंकज शर्मा, विभूति यादव, कामदेव यादव सहित राजद के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।